आज किस तरह का दर्शन पूजन हुआ, आज पहली बार विजय होने? हम विजय होने के बाद हमारी मनौती थी बाबा विश्वनाथ की, तो आज हम उसके बाद पार्लियामेंट शुरू हो गया तो हम जा नहीं पाए। आज मौका महादेव बुलाए और मैं मौका नहीं चुकना था, आज पार्लियामेंट नहीं था तो पहले एक मनौती थी और बाबा विश्वनाथ नहीं आता तो मैं बड़ा उदास रहता, बाबा विश्वनाथ आ गया मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। रवि जी, अभी एक माता जी आपसे गुहार लगा रही थी, क्या था वो? नहीं कुछ नहीं, वो उनके परिवार में उनके बच्चे वगैरह से पीड़ा थी, लेकिन उनका अब आए हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी है तो भोलेनाथ कोई चिंता नहीं करेंगे, ठीक हो जाएगा, अभी से उनके आज से चिंता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पे सरकार गिराती है, कर्नाटक के मामले से और पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, जब मैंने कहा जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था ये बात कि पहले सदस्यता इस्तीफा छोड़ना उन्होंने शुरू किया, अब कांग्रेस पार्टी के खुद विधायक सारे आ रहे हैं, सब हर पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जैसे एक मोदी जी का मैजिक है, जैसे मंत्रमुग्ध हो गए हैं, महादेव की कृपा है और मोदी जी ने इतना भव्य काम किया, हम पार्लियामेंट में कहेंगे। मैंने सोच नहीं सकता था कि महादेव का गेट इतना बड़ा कर दिया, रास्ता चौड़ा हो गया, मैं तो कई सालों से आ रहा हूँ, लेकिन मोदी जी आपको कोटि कोटि नमन, आपको धन्यवाद, नमन धन्यवाद। मैं रवि किशन आपका सांसद, कि आपने ये गेट जो बड़ा कर दिया, चौड़ाकरण जो कर दिया सड़क का, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद। देखिए ये देखिए, मैं मुझे लगता है कि पूरा कांग्रेस ने जो एक राजनीति की, एक शोषण किया 60-70 साल इस देश का, गरीबों का हक मारा, गरीबों का पैसा मारा, न मकान, न दवा, न दारू, न कोई चिंता नहीं की, आज वो खत्म होने के कगार पर है और ये लास्ट उनके कुछ सांसद बच गए हैं और इसी तरह की राजनीति और इसी तरह बोलते रहेंगे राहुल जी तो ये पार्टी बहुत जल्द खत्म, विलुप्त हो जाएगी। ये देश से ऑलमोस्ट अभी अपोजिशन में हम बैठते हैं, सामने देखते हैं तो कोई बैठता ही नहीं सांसद, उनके सांसद आते भी नहीं पार्लियामेंट। राम के नाम पर राजनीति हो रही है या इस तरह से उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है, उन्नाव में कुछ युवकों को राम जैसी राम न बोलने से ये अपोजिशन की भी साजिश है। देखिए आप गौर करिएगा, बड़ी डिटेल में बता रहे हैं, अभी इसका फायदा अपोजिशन वाले भी ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब करने या हमारे साथ जुड़े हुए एनडीए के दलों का, ये बहुत एक साजिश है, बहुत सोची समझी साजिश है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मोदी जी की योजनाएँ हैं, जो गरीब का आवास है या आयुष्मान भारत है, उसमें भी लोग बिचौलिया बन के या अपोजिशन वाले पैसा खा रहे हैं और मकान गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है, शौचालय नहीं पहुंच पा रहा है, एक एक नई आज ऐसे नहीं गिरा पा रहे हैं, तो अभी ये लोगों ने एक नया छोटा खेल शुरू किया है, बिचौलिया बन के कटमनी जिसको कहते हैं वो भी अब शुरू हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री की योजनाओं में लोगों ने कटमनी शुरू कर दिया है, ऐसे लोगों से आप बचें। मोदी जी की सारी योजनाएं हर गरीब परिवार के लिए सीधे आ रही है, किसी को आप पैसा ना दें, कोई आपसे पैसा मांगता है सीधे उसके खिलाफ जाके आप लोग थाने में कंप्लेन करें, क्योंकि मोदी जी ने सीधे पैसा, वो सारी मदद, वो सारी योजनाएं सिर्फ गरीब लोगों के लिए भेजी हैं। तो मैं रवि किशन आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई भी बिचौलिया आपसे कमीशन मांगे उसको सीधे थाने ले जाएं और उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, यहाँ योगी महाराज का शासन है, यहाँ पर कोई भी गुंडागर्दी या कोई भी भ्रष्टाचार को जन्म नहीं दिया जाएगा।